स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 4/5 प्लस 5/3 किसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 4/5 प्लस 5/3, इसको मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 5 और 3 है। ठीक है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर ऐसे हो, फ्रैक्शन में ये जो है नंबर्स हो, सेंटर में प्लस या माइनस हो, हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में 5 और 3 है, 5 और 3 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 5 का 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 ले लेंगे ताकि दोनों 1 हो जाए। और हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 × 5 5 3 से क्या आ गया, 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या इनका आ गया, एलसीएम 5 और 3 का 15 आ गया। अब आपने देखना है 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, कितनी ज़्यादा आता है, 5 को टेबल में 15 आता है 3 ज़ार। अब आपने माइंड में रख लिया कितनी ज़्यादा आता है, 3 ज़ार, 3 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले के साथ, तो 3 4 ज़ार क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें, ये हमने इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखें, जैसे ये किया था, 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 ज़ार, 5 को माइंड में रखें, 3 कितनी ज़ार, 15 है, 5 ज़ार, 5 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले के साथ, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, देखें इसको प्लस कर दें, 25 में 12 प्लस करें क्या आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करें 7, 2 में 1 प्लस करें 3, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के प्लस कर लें तो 37 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 15 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 37/15 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है बुक के जो लास्ट पे आंसर है उसमें उन्होंने फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं उसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में देना तब ज़रूरी होता है जब हमें क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया हो। जब हमें क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन, ये सिंपल फ्रैक्शन है तो हम सिंपल फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने दिया हुआ है तो फिर आपने इसको कैसे करना है, 37 को अंदर रखें, 15 से डिवाइड करें, 15 × 2 = 30 आ जाएगा, 7 में से 0 कट करें 7 आ जाएगा। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, जो कोशेंट होता है ऊपर वाला उसको साइड पे लिखते हैं, जो नीचे वाला होता है रिमाइंडर उसको ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे लिखते हैं। तो हम इधर क्या लिख देंगे, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, 7/15 ये आंसर आ गया, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, आप क्या करेंगे, 22 और 11 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो हम जब फैक्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि 2 ले सकते हैं कि नहीं, तो 2 लेने के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास डिजिट का इवन होना नंबर का। तो ये देखिए, ये 22 इवन है, ये इवन नहीं है। ठीक है, तो एक भी इवन होगा, अगर इवन हुआ तो आपने ले लेना, 2 कितनी है, 2 होता है 1 ज़ार, 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, तो ये आ गया 11, और यहाँ पे 2 के टेबल में 11 नहीं आता तो 11 का 11 लिखे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 11 ही लेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ सके। हमने लिखा एलसीएम, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 11 क्या होता है, 22, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया, इसका मतलब हम लोगों ने 11 और 22 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 22 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए 11 के टेबल में 22 कहाँ ज़र आता है, 11 के टेबल में 22 आता है 2 ज़ार। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से, 8 × 2 = क्या आ जाएगा, 16। इसी तरह 22 कितनी है, 22 होता है 1 ज़ार, अब 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 3 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप माइनस करें, 16 में से 3 कट करें तो हमारे पास क्या आता है, 13/22। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग कर सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, डिवाइड कर भी दिया, आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 13 छोटा है, 22 बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको यही आंसर यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखें इसका क्या आंसर है, 13/22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका क्या है, तो देखिए हमारे पास है इस बार ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6/5 प्लस ब्रैकेट है और इज इक्वल टू 21/10। अभी तक जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तो यहाँ पे साइन था और यहाँ भी साइन था, इन्होंने आगे इज इक्वल के आगे ब्लैंक छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पे अब इधर है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको ये कहते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या आना है, हमने इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आप करें माइनस यहाँ पे करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करवाना है तो 21 को पहले लिख लें क्योंकि ये बड़ा है, 21/10 को पहले लिखें, माइनस करवा दें 6/5 से। ठीक है, सही, अब जो इसका आंसर आएगा ना मैं बताती हूँ आपको, वो आपने यहाँ पे ब्लैंक में लिख देना। ठीक है, अब 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 10 आता है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ चने, ठीक है, 10 और 5 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते होते हैं, 10 लिखे और यहाँ पे 5 लिखे। देखिए पहले 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं, यस, क्योंकि एक भी नंबर इवन हो तो आपने ले लेना है, तो 10 इवन है तो 2 के टेबल में 10 आता है, 5 ज़ार ये 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। अब 5 है, 1 ज़ार और 1 ज़ार, हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 2 इंटू 5 मतलब 10 एलसीएम आ रहा है, 10 और 5 का एलसीएम क्या आ रहा है, 10, ठीक है। अब 10 के टेबल में 10 कहाँ ज़र आता है, 10 वन ज़र, 1 को मल्टीप्लाई करते 21 से, 21 वन ज़र 21 आ गया। 5 के टेबल में 10 आता है 2 ज़र, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 12, ठीक है। अब आप 21 में से 12 कट करें तो क्या आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9, 9 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिख देंगे, 9/10, क्या हमारे पास ये आंसर आया। आपको पता चला आपने, जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपने दरमियान में इधर ब्लैंक हो इधर प्लस हो तो आपने इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आपने सेंटर में लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देखें यहाँ पर लिखें 9/10, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ, इसमें क्या करना है, ठीक है, हमारे पास ये है 3, 4, 5 डिनोमिनेटर में, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 3 का, 4 का और 5 का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं ना, क्योंकि एक नंबर भी इवन हो तो 2 ले लेते हैं, तो 4 इवन है तो इसका मतलब ये 2 से हो सकता है, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 को वैसे लिखते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार और 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 आ रहा है तो आप यहाँ पे पहले 2 ले लें, 2 के टेबल में 3 नहीं आता उसको वैसे उतार लें, 2 वन ज़ार 2 और 5 का 5। अब देखिए आप 3 लेंगे पहले, 3 वन ज़ार 3 और 1 और 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 ले लेंगे 1 ज़ार और 1 ज़ार। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ये सबको मल्टीप्लाई करवा दें 2 × 2 × 3 × 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, तो हमारे पास क्या आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, 3 4 और 5 का लिया हम लोगों ने तो क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह नीचे डिनोमिनेटर में 60 लिख दें, ठीक है। अब देखें 3 के टेबल में 60 आता है कितनी ज़्यादा, 3 के टेबल में 60 आता है 20 ज़्यादा, 20 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, 20 को 2 से किया तो 40 आ गया। 4 के टेबल में 60 आता है 15 ज़्यादा, ठीक है, 15 ज़्यादा 15 को 3 से किया तो 45 आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 के टेबल में 60 आता है, 5 के टेबल में आता है 60 12 ज़ार 12 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 12 1 ज़ार 12 आ गया। अब आपने क्या कर देना है, सबको प्लस कर देना है, प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, 40 में 45 प्लस करें 85, 85 में 12 प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 97, तो यहाँ पे 97 लिखा। अब आप इसको ये भी इसमें फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप ये भी कर लें कि क्या करें, डिवाइड कर दें और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दें, 97 को अंदर रखें 60 से डिवाइड कर दें, 61 ज़ार 60 आ जाएगा, 7 से 0 7, 9 में 6 कट किए 3 आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे जो कोशेंट होता है वो साइड पे आता है, जो कि रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है, जो कि ये वाला होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 137/60, तो यहाँ पे आप लिखें 137/60, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला इसका पार्ट, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट वाला पार्ट, इसमें 15 10 और 5 का एलसीएम लें तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे ले लेते हैं 5 10 और 15 का एलसीएम, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे एक भी नंबर इवन हो तो आपने यहाँ पे 2 ले लेना है, तो हमारे पास 10 इवन है ना, तो 2 के टेबल में 5 आता नहीं आता, 5 का 5 लिख लें, 2 के टेबल में 10 आता है 5 ज़्यादा, 2 के टेबल में 15 आता नहीं आता तो 15 का 15 आ जाएगा। फिर देखें 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है, तो 3 लेंगे, 3 देखें 3 यहाँ पे ले सकते हैं, यस, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को ऐसे लिख दें, 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा इसको ऐसे लिख दें, 3 के टेबल में 15 5 है। अब देखिए सारे 5 हमने क्या करना होता है, लास्ट में हम लोगों ने 1 लाना होता है, तो 5 ही ले लेंगे, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार और 1 ज़ार, तो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 × 3 × 5, ये सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30। हम लोगों ने एलसीएम लिया 10 15 और 5 का, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे नीचे कर लें, ठीक है, इधर तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिखना है। हमने एलसीएम लिया, हमारे पास 30 आ गया, 5 के टेबल में 30 आता है 6 ज़ार, 6 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले से, मतलब 6 सीरीज है 18 आ गया। 15 के कितनी ज़्यादा 30 होता है 15 2 ज़ार 2 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, 6 2 ज़ार 12 आ गया। 10 कितनी ज़्यादा 30 होता है 10 3 ज़ार 3 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले से 3 10 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3, ठीक है 3 ही आना। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, 18 का 18 लिखें, ये माइनस वाले पहले इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस होता प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, 12 और 3 कितने आ जाएंगे 15, ठीक है, क्लियर हुआ, माइनस माइनस होता प्लस साइन माइनस का आ जाता है, करना प्लस है, 12 में 3 प्लस किया तो 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 30 आ गया, ठीक है। अब 18 में से 15 आप कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या किया, इनको माइनस किया, ये आ गया नीचे 30 आना था, ठीक है, मैंने 10 लगाया हुआ। अच्छा आप क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे, 3 1 3 होता है, 3 कटे में 30 कहाँ जाता है, 10 जाता, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/10। इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, 1/10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दें 1/10 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही कि हमने 3A का क्वेश्चन 1 को मैंने आपको सॉल्व करना बताया, नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन 2 करवाऊंगी और फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।